हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी माथुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं पाइथन। इस पाइथन सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 6 है। इसमें हम कवर करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे इक्वल, सिंगल इक्वल की बात करूँ तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। बाकी के कुछ और दे रखे हैं, जैसे कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलर इक्वल, और फिर फ्लोर इक्वल एंड एक्सपोनेंट इक्वल। तो ये सारे ऑपरेटर्स भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स में यूज़ होते हैं। पर सिंगल इक्वल वाला क्या नॉर्मल असाइनमेंट है, बाकी सब कंपाउंड असाइनमेंट में कंसीडर कर सकते हो आप। इक्वल टू असाइनमेंट को समझते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल लगा होगा तो उसको बोला जाएगा इक्वल टू ऑपरेटर। एक्स इक्वल फोर, एक्स इक्वल फोर का मतलब क्या हो गया कि फोर की वैल्यू को आप एक्स में असाइन कर रहे हो, मगर एक्स इक्वल इक्वल फोर है तो वो दोनों अलग चीज़ है। इक्वल इक्वल फोर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये एक कंपेरिजन ऑपरेटर। इसके लिए मैंने आपको ये समझाया हुआ है। आप देख सकते हो एक्स इक्वल टू 10 है, वाई इक्वल टू 20, और एक्स की वैल्यू क्या है 7। तो पहले एक्स की वैल्यू मैंने 10 असाइन करी, वाई तो बस जस्ट असाइन करके दिखाया आपको। अब एक्स की वैल्यू क्या कर दी 7, यानी कि 10 से मैंने क्या कर दी 7। तो 7 असाइनमेंट है चूंकि, तो 10 से उसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। प्रिंट करेंगे एक्स की वैल्यू, देन 7 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में देख सकते हो आप एक्स इक्वल इक्वल 7, एक्स की वैल्यू 7 है तो 7 10 के इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि पहला वाला असाइनमेंट है और दूसरा वाला कंपैरिजन है। दोनों अलग ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इक्वल टू असाइनमेंट के लिए और डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करती हूँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे इसमें एक्सप्रेशन दिया है एक्स प्लस इक्वल 3, इसको आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया जाता है। तो एक्सप्रेशन 1 देखिए आप और एक्सप्रेशन 2 देखिए। एक्सप्रेशन 2 में एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 2। यानी कि आपको कंपाउंड असाइनमेंट में उसको एक्सप्रेशन को प्रॉपर लिखना आना चाहिए, देन आप उसको बहुत ईजी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे एडिशन असाइनमेंट, प्लस इक्वल, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, माइनस इक्वल। तो बेसिकली क्या है, एक्स प्लस इक्वल 5, तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। यानी कि एक एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, बस मैंने यहाँ पे यही राइट डाउन किया है। x माइनस इक्वल 5, इसको लिख सकते हैं आप x इक्वल टू x माइनस 5। मल्टीप्लाई असाइनमेंट में लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई इक्वल 5 को लिख सकते हैं x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 5। डिवाइड असाइनमेंट और पाइथन में इसको आप बोल सकते हो फ्लोट, फ्लोट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो x सिंगल डिवाइड यूज होता है इसके लिए, x सिंगल डिवाइड इक्वल 5, x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5। मॉड्यूलर ऑपरेटर में आता है x मॉड्यूलर इक्वल 5, x इक्वल टू x मॉड्यूलर 5। यानी कि जो मिडिल में एक्सप्रेशन है वो आपके क्वेश्चन में आएगा, आपको उसको एक्सपेंड करना आना चाहिए, नहीं लास्ट वाला। फ्लोर असाइनमेंट, इसमें डबल डिवाइड यूज होता है, तो x डबल डिवाइड इक्वल 5, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू x डबल डिवाइड 5। उसके नेक्स्ट है एक्सपोनेंट असाइनमेंट, x एक्सपोनेंट इक्वल 5, इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स एक्सपोनेंट 5, यानी कि एक्स की पावर 5। तो बेसिकली ये मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना बताया है। इसमें आगे हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। जैसे आप देखिए फर्स्ट वाला एक्स इक्वल 5, यानी कि मैंने असाइन कर दी 5 की वैल्यू एक्स में, एक्स प्लस इक्वल 5। तो अब आप प्रिंट करोगे एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। आपको एक्सपेंड करना आता ही है, तो 5 प्लस 5 10। एक्स की वैल्यू अगर 10 है, मैंने दिया x माइनस इक्वल 6, तो x इक्वल टू x माइनस 6, तो 10 में से 6 गए तो 4 हो गए। तो जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लास्ट वाला बताया है आप उसको सामने रखिए, तब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिएगा, आपको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। x इक्वल टू 7, तो x मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2, तो 14 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू मैंने 25 ली है और इसको डिवाइड किया है 5 से, तो आपको पता है इसको एक्सपेंड करेंगे तो x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5, यानी 25 को 5 से डिवाइड करना 5 होता है। सेम x मॉडुलर इक्वल 5, यहाँ पे मैंने x की कोई वैल्यू नहीं ली है, लास्ट वैल्यू को ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 5। अगर मॉडुलर की बात की जाए तो आपको पता है इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि इसमें डिविजर वैल्यू देखते हैं, रिमाइंडर वैल्यू। x इक्वल टू 10, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर ऑपरेटर है ना, फ्लोर। बेसिकली फ्लोर में क्या होता है, डबल डिवाइड यूज होता है। इसमें क्या करता है, लास्ट वैल्यू अगर पॉइंट के बाद की जो वैल्यू आती है उसको ट्रंकेट कर देता है। इसमें देख सकते हो आप एक्स इक्वल टू 5, एक्स डबल डिवाइड इक्वल टू, यानी कि एक्स 5 डबल डिवाइड 2, इसको आंसर आएगा आपका 2.5। तो 0.5 को हटा देगा, फ्लोर कर देगा, देन वो 2 को ले लेगा। उसके बाद बात करूँ मैं एक्स
एक्सपोनेंट 5, यानी कि एक्स की वैल्यू लास्ट वाली ले लेगा 2, 2 की पावर 5 32 होता है। तो बस आपको एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना आना चाहिए, जो मैंने इससे प्रीवियस उसमें बताया, आप वो नोट कर सकते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ही कन्फ्यूज़न हो रहा हो डिवाइड डबल डिवाइड में या एक्सपोनेंट में, तो आप इसके लिए अर्थमेटिक असाइनमेंट वाला वीडियो देखिए जो इससे प्रीवियस लेक्चर में है। ये लेक्चर 6 है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बाकी के ऑपरेटर्स में इससे पहले कवर कर चुकी हूँ और इंट्रोडक्शन पाइथन भी कवर कर चुकी हूँ। हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस में इफ एल्स लूप ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, इसमें आपको सारे पाइथन्स के वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।